नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर कन्नौज से है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बगैर किसी सैंपल लिए ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कन्नौज जिला का है पूरा मामला, आपको बताते चले। कन्नौज जिला अस्पताल के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल श्याम बाबू को बगैर किसी जांच के ही कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। पूरा मामला इस प्रकार है। पुलिस लाइन कन्नौज में तैनात कांस्टेबल श्याम बाबू ने बताया कि 29 जुलाई को फतेहपुर गया हुआ था, 4 अगस्त को मेरी वापसी थी, तो मैं सीधा पुलिस लाइन में जाकर कोविड-19 की जांच के लिए जिला अस्पताल कन्नौज आ गया था, जहां पर मुझसे जांच का फॉर्म तो भरवाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की सैंपलिंग नहीं की गई, केवल स्कैनर से ही स्कैन किया गया। 3 दिन बाद 7 अगस्त को सीएमओ कार्यालय से मुझे सूचना मिली कि आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, आप अस्पताल आ जाइए। अब सवाल यह उठता है कि बिना किसी जांच के ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव कैसे आ गई? ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आइए वीडियो में देखते हैं श्याम बाबू की कहानी उनकी ही जुबानी। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं पुलिस लाइन कन्नौज में तैनात हूँ। ठीक। मैं 29 तारीख को यहाँ से क्या कहते फतेहपुर गया था। ठीक। 4 को मेरी वापसी थी। ठीक। 4 को मैं आया। ठीक। तो फतेहपुर से आने में जिला अस्पताल पहले पड़ जाता है। हाँ। 11:30 बजे मैं आ गया जिला अस्पताल। ठीक। यहाँ फार्म भरवाया। काय का फार्म भराया था? कोविड-19। ठीक है। कोविड-19 वाले जाँच का फार्म भरवाया। ठीक। फार्म भरवाने के बाद क्या कहते हैं उधर गया तो उधर वो जो स्क्रीन लगवा। हाँ ठीक है। वाली जांच को। हाँ हाँ। वो करवाई। ठीक। उसको उस पर्ची को लेके मैं पुलिस लाइन चला गया। ठीक। इन्होंने कहा 1:30 बजे जांच होगी यहाँ। ठीक। मैं 1:30 बजे की मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं देखता हूँ, अगर मेरे अधिकारी मिल जाते तो मुझे छुट्टी लेनी थी 7 दिन। ठीक ठीक। तो मैंने 7 दिन की छुट्टी भी ले ली। वहाँ गया तो पुलिस लाइन। बिल्कुल। पुलिस लाइन में मुझे SIMT साहब मिल गए। ठीक। मैंने तुरंत छुट्टी लिखी, रिकमेंड कराई। रिकमेंड कराने के बाद एडिशनल साहब से मैंने छुट्टी करा ली जाके। ठीक। 1 बजे मेरी 1 बजे छुट्टी हो गई। ठीक। मैं तुरंत वापस निकल गया फतेहपुर के लिए। ठीक। रवानगी करा के जीडी में। ठीक। रवानी करा के जीडी में वापस निकल गया। फिर उधर से कहा कहते आज मैं आया हूँ, 12 मतलब आज 12 तारीख है, आज मेरी वापसी है। इस बीच में 7 तारीख को मेरे पास वहाँ फोन आता है कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो। मैंने कहा मैंने सैंपल दिया नहीं, खाली फार्म भरवाया था। सैंपल दिया नहीं, मेरी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट कहाँ से आ गई? किसने फोन किया था आपको? यहाँ से 3-4 डॉक्टरों ने फोन किया था। सीएमओ साहब ने फोन किया था। सीएमओ साहब ने भी फोन किया था। हाँ, सीएमओ साहब ने क्या बताया? पूरा एड्रेस सब कुछ नोट किया है। क्या बताया कि आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है? आप कहाँ पर हो, क्या कहते हैं? तो मैंने कहा सर मैं छुट्टी पर हूँ, मैं फतेहपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा अपना फतेहपुर का पता दो। ठीक। मैंने फतेहपुर उनको पता लिखाया, राधानगर गाजीपुर रोड फतेहपुर। ठीक। फिर इसके बाद आप मुद्दे के बाद बताइए, आपका सैंपल लिया गया था? नहीं, सैंपल नहीं लिया गया। कोई सैंपल नहीं हुआ? सैंपल नहीं। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई? रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अच्छा, बिना सैंपल के? बिना सैंपल के। ठीक ठीक। ओके।